बायकॉट करना था कर लेने दो, लेकिन पठान तो लग गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 25th of January और हम लोग जाने वाले हैं देखने के लिए पठान, और मेरे साथ हैं अभी दो लोग, फैसल और फिरदौस। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की कोशिश करेंगे। अभी शो स्टार्ट होने में 2.5 घंटा है, हम लोग थोड़ा पहले जा रहे हैं क्योंकि टिकट का आपको पता है कि भाईजान के मूवी में क्या सीन रहता है टिकट का। तो पोस्टर फाड़ दिया, तो गाइस बहुत क्रेजी सीन हो चुका है यहाँ पे। और कल हम शाम को यहाँ पे पोस्टर देख करके गए थे और अभी कुछ लोगों ने उसको पोस्टर को फाड़ दिया है। दुख हुआ जान के। हाँ यार, मतलब कल शाम में हम लोग देख करके गए यहाँ पर, मजाक कर रहे थे, बॉयकॉट नहीं हुआ है, लगा हुआ मूवी लगा हुआ। क्या कर रहे हैं यार तू, मतलब मजाक है क्या भाई, इसे मजाक के बंदा सीरियसली ले। तो गाइस हमारे सिक्योरिटी के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी जमा हो चुके हैं यहाँ पे। तो गेट खुलते ही लंबा लाइन लग चुका है हमारे पीछे और अब मिलने लगा स्टार्ट, 5 से 10 मिनट में टिकट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर 11:30 से शो स्टार्ट। कितना टिकट मिला हम लोग अभी तक? 3 टिकट लिए, सिर्फ 3 टिकट हम लोग ले चुके हैं और थोड़ी देर में मूवी स्टार्ट होगा, देखेंगे। शाहरुख खान को रोड पर लाने वाले लोग थोड़ा और ज्यादा जोर लगाए क्योंकि लगता है लाइन बहुत जल्द रोड तक पहुंच जाएगी। गजब बेइज्जती है, क्यों करना है, कलर से कोई मान्यता नहीं रखता। मूवी देखो, एंजॉय करो, ये एंटरटेनमेंट है, मूवी देख के आदमी को एंजॉय करना चाहिए। नहीं देखना आप, नहीं देखिए, पर गलत क्यों करते हैं, पूरा खुश है। कितने बजे आए? सो हैप्पी मैन, क्या बात है। और विरोधी दल यहाँ पहुंच चुके हैं लेकिन कुछ होने नहीं वाला। तो जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं अभी कुछ लोग आ गए हैं बॉयकॉट करने के लिए इस मूवी को, और इधर टिकट भी चल रहा है और बाहर कुछ लोग बॉयकॉट करने भी बैठ गए। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे है अभी मौजूद। पहले ही बोला था मौसम बिगड़ने वाला है। तो बॉयकॉट गैंग को बहुत अच्छे तरीके से बॉयकॉट कर दिया गया और वो जा चुके हैं अब सही तरीके से, जैसे मूवी लगती है एज ऑलवेज लगने वाली है इस हॉल में कुछ ही देर बाद। शाहरुख खान का सिग्नेचर पोज किया जा रहा है। तो ये मेरा दोस्त पुराना, मेरे लिए देखिए क्या लेकर के आया है, केक और भुजिया। तो टिकट मिल गया ना तुमको? ठीक है, कहाँ बैठ रहे हो? बस बस भाई, इतना काफी है क्या? इंटरवल में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया गया है और काफी कॉन्सेप्चुअल मूवी है भाई साहब का। तुम बताओ कैसा लगा मूवी? काफी अच्छा है, सीट से उछल के डांस कर लिया था। हाँ, सीट से उछल के डांस सब, यहाँ बेसरम गाना, बेसरम सॉन्ग सुन के सब बेसरम हो गया। मेरे को बस एक पार्ट खराब लगा, लड़की ने धोखा दे दिया दो बार, वो भी दो बार भाई। हाँ, मेरे ख्याल से पूरे मूवी में एक भी ऐसा सीन नहीं होगा जिसको क्रिटिसाइज किया जाए, और पूरे की पूरी मूवी पेट्रियोटिज्म और देशभक्ति के साथ बनाई गई थी। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था मूवी का। जितना भी बायकॉट करना था कर लेने दो, लेकिन पठान तो लग गया। रेटिंग 100 में 500 है, पता है, रेटिंग 100 में 500। आपके कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? उसका भाभी का किरदार मस्त। तो गाइस दैट्स इट फॉर द ब्लॉग, और आप जरूर हमको कमेंट करके बताएं कि अगर आप पठान देख चुके हैं तो आपको कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।